है ही, पर सोनी एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अशोक लेलैंड पे तो हमने कपिल की शॉर्ट कॉल आती हुई देखी, बट जिस तरीके से आज ऑटो काउंटर्स लुढ़क रहे हैं, जैसे कि एस्कॉर्ट्स करीब 4-4.5% कमज़ोर है, इसके अलावा टाटा मोटर्स भी करीब 1.5% की गिरावट दिखा रहा है, M&M, कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपके रडार पे भी हो, और टू व्हीलर्स पे भी कोई अगर ट्रेड है तो? जी नहीं, आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड डेफिनेटली बन रहे हैं, वो है एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स में मैं देख सकती हूँ कि एक 50 EMA को ब्रेक कर रहा है अभी चार्ट्स पे, एंड RSI भी नेगेटिव डाइवर्जेंस हो चुका है। सो एस्कॉर्ट्स आप करेंट लेवल से सेल कर सकते हैं। 3160 का एक उसका रेजिस्टेंस है, तो 3160 का स्टॉप लॉस लगाए, एंड नीचे का जो उसका टारगेट बनेगा वो काफी लोअर लेवल पे आ रहा है। पहला टारगेट इसका रहेंगे 3000 के आसपास, अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। सो एस्कॉर्ट यहाँ से डेफिनेटली एक शॉर्ट सेल की राय बनती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने सपोर्ट के पास आ गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल रहेगा टाटा मोटर्स में, आप इसी करेंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, 695 का स्टॉप लॉस लगाएं, एंड दोबारा इसका जो टारगेट आप देख सकते हैं वो है 725-740 के तरफ जाते हुए। सो टाटा मोटर्स में एक कॉन्ट्रा बाय कॉल यहां से बनता है। ओके, टाटा मोटर्स एस्कॉर्ट्स को बोता में ये सलाह। अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं हमारे अगले